पीने का पानी मिलना चाहिए, गांव में प्रगति और विकास होना चाहिए। आज भारत की जनता की हमने अपेक्षा पूरी की और इसीलिए जनता ने हमको बार बार चुन कर दिया। हम किसी के मेहरबानी से और कृपा से नहीं चुन कर आए। जो काम किया था, जो कहा था, वही हमने बोला है, जो बोला है वही हमने किया है और जिसके कारण जनता ने हमको समर्थन दिया है। मेरे युवा साथियों, एक परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। अभी आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो बनेंगे ही 3-4 साल में, पर हम सबको, हमारे हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर एक की महाशक्ति बनाना है। हमारे देश को गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त करना है। हमारे देश को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो पैरामीटर्स है उसके आधार पर सब सुविधाएं हमारी जनता को दिलानी है। और ये उसी समय संभव होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमारी सरकार आएगी तो बहुत जल्दी ये साध्य पूरा हो सकता है। और इसलिए आप सबको गांवों में जाकर लोगों को जगाकर उनके मन में यह विश्वास पैदा करना है कि आपके भविष्य को बदलने की ताकत अगर किसी नेता में है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आपके भविष्य को बदलने की ताकत किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और यही विचार लोगों तक ले जाने की आप सबकी जिम्मेदारी है। आप बहुत बड़ी संख्या से उपस्थित है, इसी संख्या के साथ आपके गांव में यही संदेश को लेकर आने वाले चुनाव में हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में, सब जगह पर हमारे एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो, ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आज डाली गई है। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट किए हुए कामों की उपलब्धि उनको बताइए। जो लाभार्थी है, जिनको रेशन का अनाज मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, जिनके स्वास्थ्य के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको ये बताइए कि ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उसके कारण हुआ है। मेरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से एनडीए के रूप में 400 ये संख्या पार करेंगे, संख्या पार करेंगे। हमने वचन दिया था राम मंदिर बनेगा, बन गया। हमने वचन दिया था 370 रद्द होगा, रद्द हो गया। अब हमने वचन दिया है कि हिंदुस्तान को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ, इस संदेश को लेकर आप आपके गांव में क्रियाशील होइए, कार्य करिए, लोगों को बताइए और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में जिताकर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लाने के लिए परिश्रम करिए। यही आप सबको आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की।